क्या मतलब है तुम्हारा? नैना ने चौंकते हुए कहा। जहां तक आपकी कल्पना का सवाल है, ऐसी इमेजिनेशन साथ अभी अभी जो कुछ हुआ था वो ऐसा था जैसे किसी बुरे सपने में भी कोई बड़ी हूं। तुम्हें मेरी आंखों पर विश्वास करना होगा, इस आदमी के चेहरे पर जाने वाले धोखे खाएंगे ही, और मुझे दुख है कि तुम अभी भी अंधेरे में हो, नैना ने स्नेहा को समझाते हुए कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता, स्नेहा ने लगे हाथ जवाब दिया। स्नेहा मैं जानती हूं कि तुम एक बेहद ब्राइट और स्मार्ट लड़की हो, फिर तुम इस मामले में इतनी जिद्दी क्यों हो? वैसे भी तुम्हारे माता पिता को मैं अच्छी तरह से जानती हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझ पर, तुम्हारी कॉलेज में देखभाल करने का वादा किया है मैंने। अब तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम कॉलेज में थोड़ा गड़बड़ चीजों से खुद दूर रहो, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। मैम, मैंने वास्तव में अपने खाली समय में यूनिवर्सिटी के सिलेबस को पहले ही समाप्त कर लिया है। स्नेहा तुम, नैना ने स्नेहा को खींचकर बाहर ले जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा के शब्दों से उसका दम घुटता चला जा रहा था, जिससे वो वास्तव में शक्तिहीन महसूस कर रही थी। नैना के स्नेहा को दूर खींचते देख राघव ने अपना सिर हिलाया और व्यंगात्मक ढंग से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि सुंदर प्रिंसिपल ने उसे काफी गहराई से गलत समझा है। खुद तो उसे एक मलचर समझती ही है, बल्कि बाकियों के मन में भी वो ये ख्याल डालना चाहती है। राघव को अपने कपड़े बदलने पड़े और गीले कपड़ों को इस बार बाथरूम में रखने के बजाय उसने याद से वॉशिंग मशीन में ही डाला। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि स्नेहा उस समय उसका अंडरवियर नहीं बल्कि पोछा लगाने का कपड़ा धो रही थी। अगर उस समय यह दिख गया होता तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। राघव ने बाकी चीजों को इग्नोर किया और फिर एक बार बाहर जाने को तैयार हो गया। उसने कपड़े बदलते समय यूनिफॉर्म ही पहन ली थी। एक बार फिर आज वो काम पर जाने के लिए तैयार था। दिन का काम अब शुरू करने का समय आ गया था। हालांकि आज कॉलेज की ड्यूटी से पहले उसे अपने साथियों से मिलने कॉलेज अस्पताल भी जाना था, ये देखने की गुड्डू और जूडो कल के बाद अब कैसे हैं। राघव आधे घंटे के लिए कॉलेज अस्पताल गया। उसने गुड्डू और जूडो की रिकवरी के बारे में गहन पूछताछ की, जहां कुल मिलाकर यही पता चला कि रिकवरी का प्रभाव अच्छा था। आज की हालत देखकर मालूम पड़ा था कि गुड्डू और जूडो की चोटें बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि इस कदर घायल होने पर वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। पूरी तरह से ठीक होने में उन्हें कम से कम एक महीने का समय तो लगेगा ही। राघव उन दोनों को केवल पूरी तरह से फिट एंड फाइन होने के बाद ही काम पर वापस आने के लिए कह सकता था। चूंकि मामला कॉलेज के अंडर था तो बिना डॉक्टरी अप्रूवल के वे वापस अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते। राघव वहां बैठा दोनों की कई बातों की, मगर कल रात उसने उनके चोट के बदले में क्या किया इसके बारे में उसने गुड्डू और जूडो से कोई जिक्र नहीं किया। कुछ चीजें उसने भले के लिए की हूं, मगर जब उन्हें मालूम पड़े तब पड़े। राघव के हिसाब से स्पेशली उन्हें बताया जाए इसकी जरूरत नहीं थी। गुड्डू और जूडो का दौरा करने के बाद राघव वापस अपना काम जारी रखने के लिए स्टीफन यूनिवर्सिटी लौट आया।
वास्तव में उसके पास कोई निश्चित काम जैसा तो कुछ नहीं था। उसे बाकी गार्ड्स की तरह कॉलेज के गेट की रखवाली करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे बस उन पर नजर बनाए रखनी थी। राघव कॉलेज में वापस आकर खुद से परिसर के इस कोने से उस कोने तक गश्त लगा रहा था। कॉलेज में नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी था और रजिस्ट्रेशन 3 और दिनों तक चलने वाला था। हालांकि भीड़ कम हो गई थी मगर लोगों का आना जाना अभी भी बाकी था। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब कहीं जाकर राघव का अगला कदम शुरू होता। छात्रों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग, जिसकी जिम्मेदारी राघव के कंधों पर ही थी। उस समय के आने का इंतजार करते हुए राघव ने अनुमान लगाया कि तब वो भी कहीं व्यस्त हो पाएगा, वरना अगर आज जैसा ही बोरिंग दिन बीतने लगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल राघव ने चारों ओर गश्त की और कहीं कोई समस्या नहीं थी। ये कॉलेज था कोई जंग का मैदान थोड़ी जहां जरा जरा सी देर पर समीकरण बदल जाए। आखिर में बोरियत के हाथों हार कर राघव कॉलेज के गेट पर बने सिक्योरिटी रूम की ओर चल पड़ा। सुबोध और इरफान सुरक्षा कक्ष में ही मौजूद थे और जब उन्होंने राघव को आते देखा तो उन्होंने अपने बॉस को खड़े होकर अभिवादन किया। कल के बाद तो राघव की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। राघव भाई, गुड्डू और जुड़ो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, मैं उन्हें सुबह देखने गया था, इरफान ने कहा। राघव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मैंने भी उनसे मुलाकात की, डॉक्टर ने कहा है चोटें बहुत गंभीर नहीं है और बस उन्हें कुछ दिन रेस्ट की जरूरत होगी। सुबोध ने कुछ देर सोचा और कहा, राघव भाई मुझे तो बस यही ख्याल आता है कि उनका हाल उसे गार्ड की तरह ना हो जाए जो घायल होने के बाद कॉलेज द्वारा निकाल दिया गया था। मैं उसे करीब से जानता था, उसे काफी समय तक वास्तव में नौकरी की जरूरत थी, कहीं ऐसा ही। राघव ने अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं, अगर वे वास्तव में बर्खास्त होने भी जा रहे होंगे तो भी मैं उन्हें काम से हटने नहीं दूंगा। इस बारे में तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, डायरेक्टर सक्सेना ने साफ साफ कहा है कि अपनी चोटों से उबरने के बाद वे सामान्य रूप से यहाँ आ सकते हैं। कॉलेज उनके रेस्ट पीरियड में उनकी सैलरी भी टाइम से देता रहेगा, मैंने इसके लिए भी बात कर ली है। सुबोध ने राहत की सांस ली और कहा, हमने आपके जैसा एक्टिव आदमी नहीं देखा राघव भाई, आप पहले दिन ही आकर इतना कुछ हमारे बारे में सोच रहे हो, शायद इतना कोई करता होगा। आपकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक उन्हें अपने पैसों पर इलाज करवाना पड़ रहा होता, मगर कितनी बुरी बात है बच्चों से उनके पैसे छीन लेना, उन लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। राघव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो सुबोध, ऐसी स्थिति भविष्य में फिर कभी नहीं होगी, वो लोग अब फिर कभी स्टीफन यूनिवर्सिटी के पास आने की भी हिम्मत नहीं करेंगे, छात्रों से पैसे हटने की तो बात ही छोड़ो। क्या राघव को आगे आने वाले दुश्मनों का अंदाजा भी नहीं था या उसने उनके लिए भी कुछ सोचा था? क्या अपनी टीम बनाने के बारे में राघव सच में सीरियस था या फिर एक के बाद एक आते दुश्मनों से उसका ध्यान भटक जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर कमांडो राघव। राघव की बात सुनते ही सुबोध और इरफान दंग रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि राघव के शब्दों से मिली जानकारी बहुत चौंकाने वाली थी। राघव ने बिल्कुल निश्चिंत स्वर में यह कहा था, जिसका अर्थ था कि उसने जो कहा उस बात में कुछ गहराई तो जरूर ही होगी। लेकिन इस मनमानी को रोकने के लिए राघव ने क्या किया था इसकी खबर अभी उन्हें नहीं थी, मगर चूंकि राघव ने आगे उस बारे में उनसे कुछ नहीं कहा तो वे स्वाभाविक रूप से उसे आगे नहीं पूछेंगे कि उसकी बात कितनी ठोस भावना में बोले जाने की आखिर क्या बुनियाद थी। उनके लिए तो बस इतना ही काफी था कि राघव भाई ने कह दिया सो कह दिया, कुछ तो हो ही जाएगा। देखते ही देखते सूर्य अस्त हो रहा था और पश्चिमी पर्वत पूरे सुनहरे लाल रंग से भर गया था। आज अगर देखा जाए तो राघव ने मूल रूप से कुछ भी नहीं किया, जिससे उसे लग गया था कि एक सिक्योरिटी एडवाइजर बनना वास्तव में काफी आसान तो था, मगर साथ ही साथ उससे कई ज्यादा बोरियत भरा था। रात में कोई शिफ्ट शेड्यूल में नहीं था इसलिए राघव कोर्टयार्ड में लौट आया। उसने महसूस किया कि अब जब वो देहरादून शहर में अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था तो खुद की एक अलग खुफिया एजेंसी स्थापित करने का काम भी उसे यहीं से शुरू करना आवश्यक था। पोंटी सिंह के गिरोह को कल रात अकेले उसके द्वारा लगभग जड़ से समाप्त कर दिया गया था और अब तक उसने कोई अन्य असामान्य हलचल नहीं नोटिस की है। लेकिन राघव जानता था ये सब केवल एक भ्रम था, इसे तो तूफान से पहले की शांति कहा जा सकता था। वो जानता था कि पोंटी सिंह के पीछे उसके समर्थन के रूप में देहरादून शहर में एक शक्तिशाली बल जरूर मौजूद होनी चाहिए और उस ग्रुप ने अगर अभी तक उसके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की है तो संभवतः ये बस इसलिए क्योंकि पुलिस इस समय इस मामले की जांच काफी गर्माहट से कर रही है। राघव को कल अनंत थापर से बात करके ही मालूम पड़ गया था कि पुलिस स्कारलेट एंटरटेनमेंट सिटी की जांच काफी दिन से करने की फिराक में थी और अब जब मौका मिला है तो पूरा महकमा इस मौके का फायदा जोर शोर से उठाने की प्लानिंग कर रही है।
इसीलिए फिलहाल तो पोंडी सिंह के पीछे खड़ी ताकतें केवल इसे सह नहीं कर सकती थी, मगर काफी लाजमी था कि तूफान एक दिन थमेगा और लहरों के शांत होने के बाद उसे ये यकीन था कि खूनी बदला उसका इंतजार जरूर कर रहा होगा। मगर राघव ने ना कल ना आज इसकी परवाह की थी। जब से उसने कल रात खुद अपने हाथों में इस मामले को लेने का फैसला किया था, वो पोंडी सिंह के पीछे की सभी ताकतों का सफाया करने का भी मन बना चुका था, चाहे दुश्मन कितने भी बड़े क्यों ना हो। बात चिंता की बस इतनी ही थी कि राघव अभी नया था, उसे ये नहीं मालूम था यहाँ का अंडरग्राउंड गिल्ड कितना बड़ा था। उदाहरण के लिए पोंडी सिंह के पीछे कौन है जो उस पूरे ट्रेड का असली मालिक है, कितने लोग हैं, कौन है और क्या क्या दमखम रखते हैं, इसके बारे में उसे अभी कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए भी उसने जितनी जल्दी हो सके अपनी वो एक विशेष इंटेलिजेंस एजेंसी की स्थापना करना ही सबसे आवश्यक समझा। वह अभी सोच ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। राघव ने फोन निकाला और देखा तो उसका चेहरा थोड़ा चौंका हुआ था। ये एक अननोन नंबर था और वो भी डोमेस्टिक फोन नंबर नहीं बल्कि विदेश से कॉल किया गया था। राघव अक्सर विदेशों में कई मिशन करते आया था, इसलिए पहले भी विदेशों से कई कॉल आती रही। हालांकि ऐसे बहुत से लोग थे जो उसका नया मोबाइल फोन नंबर जानते थे। ये नया नंबर तो बस कुछ करीबी और काफी भरोसेमंद लोगों के पास ही था। राघव ने फोन कुछ देर बजते हुए देखा, वो इस नंबर से परिचित लग रहा था, लेकिन एग्जैक्टली उसे याद नहीं था कि उसने ये नंबर पहले कहां देखा था। इसके बारे में कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने आखिर में फोन उठाकर जवाब दिया। हेलो, कौन? हेलो, क्या ये राघव बत्रा का नंबर है? फोन पर थोड़ी हिचकिचाहट और अनिश्चित आवाज थी, लेकिन उसने जो कहा वह हिंदी भाषा में ही था, यानी ये विदेशी नहीं कोई देसी ही था। राघव ने कहा, हाँ मैं राघव ही बात कर रहा हूँ, तुम कौन? भाई राघव, मैं अभिलाष हूँ। अभिलाष कौन? माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। राघव भाई, मैं अभिलाष हूँ, आपके पुराने दोस्त का राइट हैंड। 3 साल पहले मुझे आपसे गोल्डन ट्रायंगल में मिलने का मौका मिला था जब आप यहाँ आए थे। मुझे नहीं लगता कि आपको मैं याद भी होऊंगा। नहीं नहीं रुको, मुझे याद है, हाँ मुझे बिल्कुल याद है। राघव हंसा और उसकी आंखों में अचानक गर्म जोशी की एक चमक उठ गई और उसने कहा, ये तो ओल्ड मॉन के चिरे वाला अभिलाष निकला, मुझे अभी भी तुम अच्छे से याद हो। वो तो समय इतना बीत गया कि बस दिमाग से उतर गया था। तुम्हारे प्लान पार्टी वाले पटियाला पैक को मैं अभी भी मिस करता हूँ। चलो बड़े भाई को कुछ तो याद रहा मेरे बारे में। फोन पर हंसते हुए आवाज में राहत का भाव था। वैसे तुम्हारा टीम लीड वो मेजर गौरव, अरे सॉरी मेरा मतलब है द ओल्ड मॉन्ग, आजकल कहाँ है, क्या हाल है उसके? राघव मुस्कुराया। अपने पुराने दोस्त के बारे में सोचते हुए उसके दिल में भी गर्म जोशी का संकेत था। राघव भाई, वो मैंने आपको गौरव भाई के बारे में ही बताने के लिए जल्दबाजी में इतनी रात को फोन किया था। उन्हें कुछ हो गया है। हो गया? क्या हुआ, क्या हो गया उसे? राघव भौचक्का रह गया, उसकी आंखें बाहर और धड़कन तेज हो गई थी। राघव भाई, मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त होंगे और गौरव भाई ने भी कहा था कि कुछ भी हो जाए आपको परेशान नहीं करना है। मुझे मालूम है कि आप किसी मिशन पर होंगे, इसलिए जल्दबाजी में आपका बीच में आना भी संभव नहीं है। लेकिन इस बार हमारे पास वास्तव में कोई चारा ही नहीं बचा है। हमने कई तरह की कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा, और केवल आप ही राघव भाई गौरव भाई को बचा सकते हैं। बकवास बंद करो अभिलाष, अब एक ऑर्डर आज मैं तुम्हें देता हूँ। मैं चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हूँ, लेकिन तुम किसी भी काम के लिए बेझिझक मुझे कॉल करोगे। अगर जरूरत पड़ने पर भी ये भाई अपने भाई के काम नहीं आया तो लानत ऐसी दोस्ती पे। तुम बेझिझक मुझे बताओ गौरव को क्या हुआ है, राघव ने गहरी आवाज में कहा। उसकी आवाज पहले से काफी कम हो गई थी और वो अब काफी ज्यादा एंग्शियस था। आखिर बात क्या थी? गौरव भाई को टाइगर लिबरेशन फ्रंट द्वारा कुछ दिनों पहले पकड़ लिया गया था और उन कमीनों ने गौरव भाई को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने हमारे द्वारा प्रदान किए हथियार भी छीन लिए और उन्होंने गौरव भाई को किसी अननोन लोकेशन पर कैद कर रखा है और हमें फिरौती देने के लिए कहा है। शर्तें ना मानने पर उन्होंने गौरव भाई की जान की धमकी दी है। फोन पर अभिलाष की बेहद गुस्से वाली आवाज आई। टाइगर लिबरेशन फ्रंट ने गौरव को हिरासत में ले लिया? राघव ने अपनी बौहें चढ़ा ली, उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ था। टाइगर लिबरेशन फ्रंट म्यांमार के जंगलों की एक स्वतंत्र सेना थी और म्यांमार सरकार की सेना और अन्य सरकार विरोधी शस्त्र बलों के साथ अक्सर उसकी दो तरफा गोलाबारी होती रहती थी। ये कॉम्प्लेक्स आर्म फोर्सेस थे जो भूमि पर कब्जा कर लेते हैं और म्यांमार में इंटरनल युद्धों को भड़काते हैं और लोगों को गंभीर संकट में डालने का दमखम रखते हैं। चिंता मत करो अभिलाष, मुझे मामले को और स्पष्ट रूप से समझाओ, राघव ने गहरी आवाज में कहा। फोन के दूसरे छोर पर मौजूद अभिलाष ने संक्षेप में घटना कारण बताया। अपने एरिया में ओल्ड मॉन्ग के नाम से जाने जाने वाला म्यांमार आर्मी का भगोड़ा मेजर गौरव गुरुंग गोल्ड ट्रायंगल एरिया में हथियारों का सौदागर था। उसके चेलों का एक समूह है
जो हथियारों के कारोबार में लगा हुआ है। उनमें से एक सबसे चहेता था अभिलाष, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बांग्लादेश, जिसने अपना ज्यादातर समय इंडिया में ही गुजारा था। गोल्डन ट्राइंगल एरिया में 12 महीने होने वाले युद्धों के बदौलत ओल्ड मोंग भी गोल्डन ट्राइंगल एरिया में फल फूल रहा है और हथियारों का कारोबार हर बीते सेकंड और बड़ा होता जा रहा है। गोल्डन ट्राइंगल एरिया में हथियारों के व्यापार पर गौरव यानी ओल्ड मोंग का लगभग एक तरफा अधिकार हो गया है। राघव और ओल्ड मोंग पहले भी संयोग से मिल चुके थे। 3 साल पहले राघव ड्रग तस्करी करने वाले उग्रवादियों के एक समूह को घेरने और खत्म करने के लिए एक्स कैलिबर स्पेशल फोर्सेस को गोल्ड ट्राइंगल तक लीड करके ले गया था। आतंकवादियों का यह समूह साल भर भारत के क्षेत्र में ड्रग्स इलीगल रूप से ब्लैक मार्केट में बेचता था। सीमा पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने आतंकवादी संगठन के ठिकाने का पता लगाया था। हालांकि उग्रवादी इतना शक्तिशाली है कि सीमा पर भी इसके पैरोल पर कई भारतीय कर्मचारी भी थे। यही कारण था कि ड्रग एनफोर्समेंट और कस्टम्स डिपार्टमेंट इसे नष्ट करने का कार्य अपने दम पर पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए इसमें उन्होंने सेना से समर्थन मांगा था। मिलिट्री डिपार्टमेंट ने मिशन को अंजाम देने के लिए एफएआईडी की टीम को भेजा था। राघव ने एफएआईडी के एक्स कैलिबर स्पेशल फोर्सेस के सैनिकों का नेतृत्व म्यांमार बॉर्डर पर किया और इस ड्रग तस्करी के खिलाफ घेराबंदी शुरू करने पर उसे और कई राज पता चले थे, जिनमें से एक सबसे बड़ा लीड ये था कि वहां गोल्डन ट्रायंगल से कमाए पैसों से भारत और कई देशों में टेरर फंडिंग भी की जाती थी, यानी स्मगलर्स के सर पर अब आतंकवादियों का हाथ था। उग्रवादियों का यह समूह बड़ी संख्या में अच्छी तरह से सुसज्जित था और गोल्डन ट्रायंगल के आसपास के इलाके से काफी अच्छी तरह से परिचित है। राघव ने उस समय खुद टीम का नेतृत्व किया था और दिन रात पीछा करने और न जाने कितनों को मारने के बाद लड़ाई के अंत में राघव के सैनिकों के हथियार और गोला बारूद खत्म होने वाले थे। राघव हथियार और गोला बारूद भेजने के लिए लॉजिस्टिक्स टीम का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने स्थानीय हथियार डीलर से हथियार और गोला बारूद खरीदने का फैसला किया। तभी किसी ने ओल्ड मोंग का पता उसे दिया था। ओल्ड मोंग राघव से मिलने आया और उसे पता चला कि राघव और बाकी इंडियन आर्मी के सैनिक थे और वे मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले उग्रवादियों के एक समूह का पीछा कर रहे थे। ओल्ड मोंग ने उस समय राघव को पर्याप्त हथियार और गोला बारूद मुफ्त में प्रदान किए थे और इस घेराबंदी और सेपरेशन अभियान में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने सैनिकों का नेतृत्व भी किया था। ओल्ड मोंग गोल्डन ट्रायंगल की ज्योग्राफिकल स्थिति को भी अच्छी तरह से जानता था। ओल्ड मोंग की मदद से राघव और उसकी टीम ने ड्रग तस्करी करने वाले उग्रवादियों का जल्द सफाया कर दिया और कार्य को शानदार ढंग से पूरा किया था। ओल्ड मोंग भी पक्के सैनिकों में से था, पैशनेट और जेनरस, बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसका ज्यादा जोर प्यार और धार्मिकता पर था, जिसने राघव को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। इस प्रकार उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। तो इस बार अब जब उसने सुना कि गौरव को कुछ हो गया है तो राघव भला कैसे चुप रह सकता था। राघव क्या गौरव की मदद को आगे आएगा? और अभी जब देहरादून में ही उसके जीवन में इतना कुछ चल रहा है तो फिर भला कैसे वो वहां से कहीं जा सकता था? क्या होगा राघव का अगला कदम? किसे चुनेगा वो, दोस्ती या नौकरी? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर कमांडो राघव।